सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है। आई ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आने वाले कुछ दिनों में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहनों का दस्तक देना सबसे बड़ा बदलाव होगा। यूं तो कई कार कंपनियां भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहन पेश करने की कवायद शुरू कर चुकी है। फिलहाल इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए रेनो ने अपनी हैचबैक कार क्विड के इलेक्ट्रिक वर्जन को लगभग तैयार कर लिया है, जिसे हाल ही में चीन की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया। हालांकि कार को लेकर अभी कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन क्विड के इलेक्ट्रिक वर्जन में रियर व्यू कैमरा, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर एसी वेंट्स, ऑटोमेटिक एसी आदि जैसे प्रीमियम फीचर्स होने की उम्मीद है। रेनॉल्ट क्विड ईवी को सबसे पहले चीनी बाजार में पेश करेगी, जहां इलेक्ट्रिक वाहन काफी लोकप्रिय हैं। चीन के बाद रेनॉल्ट भारत में इस इलेक्ट्रिक वाहन को लॉन्च करेगी। रेनो इंडिया देश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर सरकार की स्पष्टता का इंतजार कर रही है। एक बार भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार होने के बाद रेनो क्विड को भारतीय बाजार में पेश करेगी। कंपनी क्विड को डबल चार्जिंग विकल्प के साथ पेश करेगी, जो इसे घरेलू और सार्वजनिक दोनों चार्जर के अनुकूल बनाएगा। बता दें, रेनो के साथ साथ मारुति सुजुकी ने पहले ही वैगनार हैचबैक के इलेक्ट्रिक संस्करण का परीक्षण शुरू कर दिया है और महिंद्रा ने भी घोषणा की है कि वे अपने हाल ही में लॉन्च किए गए कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV300 के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च करेंगे। दोस्तों, आपको यह कार कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। इसी के साथ साथ हमें सब्सक्राइब भी करें ताकि इसी तरह की मजेदार खबरें देख सकें।